नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है सबका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली के सरांज। सो के उठ गया था, आप सारे डस्टिंग वस्टिंग के काम भी खत्म हो गए हैं और मैंने सोचा सारे पहले काम ही खत्म कर लूँ, उसके बाद ब्लॉगिंग शुरू करूँगा। तो अभी पापा बाहर गाने सुन रहे हैं, मतलब गाने सुनते सुनते थोड़ा बहुत काम है वो कर रहे हैं, उसके बाद हम सब नहाने जाएंगे। पीनू नहा लिया है। आओ ब्लम 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 ब्लम। आज संडे है, आज पूरे दिन काम होगा और पढ़ाई होगी। ये चलो तो मिलता हूँ आप सबसे थोड़ी देर के बाद। मैं नहा लिया भैया, और आज मम्मी ने पूरी किचन साफ करी हो भाई साहब, वो जो खू सब कुछ साफ करा है। क्यों मम्मी? अरे अभी भी कर रही है, लास्ट रह गया बस ये। मैं तो भैया नहा लिया। अरे वो चिमनी का उधर नाप लेने आया ना, हाँ, तो पता ही नहीं था मुझे कि इधर से भी मतलब ये अंदर वो होता होगा चिकना। अच्छा, उस दिन इतना गंदा लगा था, मैंने कहा सबसे पहले मैं यही साफ करूंगी। क्या बात। अभी मैं शिफ्ट के साथ बैठ के अनअकैडमी का कोई मॉक टेस्ट था तो वो दे रहा था, हमने अप्लाई करा था, साथ में ही दे रहे थे हम दोनों कॉल पे बात करते करते। चलो यार अब खाना वाना खा ले। खाने में खाने बनाया मटर पनीर और पूड़ी। पूड़ी 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 कहाँ है मेरी पूड़ी? सब इधर ही है। किधर है? अच्छा, सब डाइनिंग टेबल पे है। मेरी पूड़ी मेरी पूड़ी मेरी पूड़ी। पापा तैयार होके कौन लेटता है रजाई में? पापा तैयार होके लेट गए रजाई में। नहीं ये तो है, पर मतलब तुमने तो उसका तो रिकॉर्ड बनाया पहनने का। अभी चलना है ना हमें, और राजाऊ बन के खा पी के फ्री। क्या देख रहे हो इतनी मतलब गहराई था में बैठ के? अरे यार बहुत बड़ी फाइट चल रही है। ये देखो, ये देख, ये जानवर, ये अपनी तरह देख रहा है अपना जैसा। बहुत दिन बाद अपने कक्ष से बाहर आए हो आप महाराज। लो यार, लो ठीक है। देखिए दूर से देखिए ना, ये किस पोजीशन में बैठे हैं, कंबल ओढ़ के अपना दिखाए, लीड लगा के अपना अंदर कि डोंट डिस्टर्ब है। क्यों है मतलब हद है फोन देखने की, हद है फोन देखने की, हद है, हद मचा रखी है फोन देखने की। नहीं पता तो देख इसको जरा। ओहो मतलब वाह, कोई काम नहीं धाम नहीं भाई। अच्छा मूवी खत्म हो जाता है, एक घंटे की और है। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं सेक्टर 4 के दौरे पर। क्यों मम्मी? चलो तैयार हो जाओ फटाफट, मैं बाहर स्कूटी स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 10 मिनट लगेंगे उसे स्टार्ट करने में, किक भी तो मारनी होती है। अब तो मैं भी चली जाऊंगी। नहीं अब तो, अरे जब हम हैं घर में तो आप काहे जाओगे अकेले। चलो मिलते हैं थोड़ी देरों के बाद। क्या काम है भाई? पीनू को बुलाना है। मम्मी क्या करें, जाएगा पीनू? मेरे को मम्मी इसे देख के बिट्टू की याद क्यों आ रही है? बिल्कुल ऐसा लगता है, यश लाला लगता है बिल्कुल, बुआ का बेटा जो है। तो बिल्कुल इसे देखो, उसे देख लो। एक बार पूछो अंदर जाके पीनू को क्या आएगा कि नहीं। पूछ आओ उसे दे दे। कितने लोगी? दो हैं ना ऑलरेडी। बढ़िया लग रहा है, जूड़ा भी है इसमें रेडीमेड। आज भी खेलने में बिजी है, तो मम्मी ने बोला पीनू चाय बना दे, तो हम चाय बना रहे हैं आज मम्मी के लिए। स्पेशल चाय बनाएंगे एकदम कड़क। गाय हमने अदरक इसलिए पानी गर्म हो चुका है, तो अब गाइस इतनी चाय पत्ती, और अगर मनो तो इतना, ये हमने चाय पत्ती गाय डाल दी। चीनी, ये चीनी डालने को बड़ा हुआ है।
सारण क्या हो रहा है भाई? हमने नई बाइक ली है। ओ बधाई हो, बधाई हो। ये शोरूम में से बंदा छोड़ने आया था। कॉन्ग्रेचुलेशन सारांश की न्यू बाइक। बस बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ेगा, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे दोस्त की है जो तुम उसे कंपनी का बंदा बता रहे हो। मेरी है तो तेरी भी है भाई, ऐसा कहते हैं। मेरी है तो इसकी भी है। चलो अब उतर लो अब इसे। मम्मी मेरे को मतलब आप जैसा बता रही थी क्या वो सच है? क्या जी घर का सारा राशन खा गया? राशन सारा खा गया? राशन नहीं खाया, मतलब ले बेटा पानी दे। तो बोला खा ले तो जो भी है, मतलब राइस वगैरह पूरी वूरी जो रखी सब खा गया। सब खा गया मतलब? नहीं, और चावल मुझे तो पता ही नहीं था कि बचे, वरना मैं अपने लिए रख लेता उसे। मैं बड़े उससे चाय लेके ये आपके हाथ में क्या है सर? सारांश तू मेरी बात सुन। हाँ। ये मैं बड़े उससे चाय छानी हूँ और मैंने कहा चलो भाई, अरे अरे यार, और मैंने कहा चाय से एक पूरी ले लेती हूँ। आज बहुत दिन बाद पूरी बनी है। हाँ। और मुझे वैसे भी मुझे क्या सबको ही रखी हुई पूरी चाय से ऐसे गोल करके डिप करके खाना है, बहुत अच्छी लगती है। मैंने चाय ली और मैं घर तक आई कि चलो मैं चलो दो पूरी एक पूरी खा लेती हूँ। मैं जैसे ही यहाँ तक आई और उसकी गंदी स्माइल दो पूरी थी बस उसमें पांच पांच छह बूढ़िया थी शायद। मैंने कहा नहीं, दो बूढ़िया थी बस। जब मैं और मम्मी खा के उठे थे तब उसमें पांच छह बूढ़िया थी। सरबजीत मूवी देख रहे हैं, रो रही हो, वैसे इमोशनल स्टोरी तो है। पापा देख, अरे मम्मी और मैं कुछ ज्यादा इमोशनल है। ये मूवी देख ली, 12 बजे खत्म हुई है मूवी, लेकिन मूवी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, रियल स्टोरी थी भैया। लास्ट में तो मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया, मम्मी तो रो ही पड़ी थी। हम दोनों पता नहीं क्यों नहीं आती। इसका और पापा का पता नहीं क्या है। ये दोनों मतलब ज़्यादा इमोशनल नहीं होता, मतलब लास्ट में वो बेचारा सरबजीत मर ही गया। चलो यार, तो अब बारी है इस व्लॉग को एंड करने की। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो ठीक है, आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिले कल से नई तड़कते व्लॉग के साथ।